हाँ जी दोस्तों, तो राम राम, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र में। बस इसको कर दे उधर है ना, और अभी हम जा रहे हैं। अरे बस 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 इतना सा ठीक है। ये हमारा खेत में जा रहे हैं अभी इधर से हम, तो देखिए तो सामने उधर है हमारे खेत, और हम जा रहे हैं नीम की डाड़ियां लेने खेत में, और ये इधर लोगों के खेत हैं। इधर देखिएगा आप, यहाँ पर चने वगैरह बो रखे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो ये चने वगैरह बो रखे हैं, पर कुछ खास नहीं है इन खेत में, चने कुछ खास नहीं हुए। देखिए लेट बोए थे शायद इनको इस कारण। उधर जो बो रखे हैं जी, राम राम साहब, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में, और ये कुलाड़ी है, और ये मैंने बांधने के लिए रस्सी ले रखी है, और अभी हम जा रहे हैं खेत में नीम की जो डालियां लेने के लिए। उधर पीछे सिद्धार्थ और नितिन आ रहा है। चलिए हम खेत में, बहुत दिनों बाद। मैं जब मतलब बाजरा काटा था उससे मैं आया था खेत में, आज वापस बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ। तो चलिए अभी चलते, मैं दिखाता हूँ खेत में ना दोस्तों। ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये हमारा खेत बंद था, इसलिए इसमें पशु वगैरह नहीं आए, इसलिए बारिश भी हुई थी बीच में, इस कारण हरा हो रहा है। ये देखिए, और ये बहुत सारे नीम के पेड़ थे, पर ये सब सूख चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया था इन पेड़ों में। और ये केर का है, केर लगते हैं इसमें, अचार बनाते हैं हम, केर की सब्जी बनती है, वो केर का पेड़ है। ये देखिए इस प्रकार के, चलिए मैं पास जाके दिखाता हूँ इसके पत्ते और कैसे क्या होते हैं। ये देखिए आप, ओह काटा, तो ये देखिए इसमें इस प्रकार का होता है केर का पेड़। अब लगेंगे इसमें है ना, इस महीने भर बाद में केर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। एक पेड़ यहाँ पर था नीम का, तो ये भी सूख चुका है, पता नहीं किसी ने सुखा दिए या क्या कर रहा, राम जाने क्या हुआ, क्योंकि लगातार ये जो इस साइड जितने भी हमारे नीम के पेड़ थे ना, तो इन खेतों वालों ने पता नहीं क्या किया, राम जाने सुखा दिए सभी पेड़ों को। ये बबूल है, कांटों के लिए जलाने की लकड़ी हो जाती है इनसे। और एक नीम का पेड़ ये था, बहुत अच्छा था, तो ये भी सूख चुका है। ये देखिए, इसको तो काट दिया था हमने फिर। और एक ये इधर है, ये अभी हरी है, ये भी आधी सूख गई थी, फिर वापस हरी हो गई है। देखिए आप, अब मैं इस पे चढ़ूंगा और काटूंगा, ठीक है। ये इधर पेड़ रुक गया, नीमड़ी है। हाँ बड़ा नीमड़ी टूट सकेगी, किस नीमड़ी कह रही हूँ, बहुक रही थी कि कह रही हूँ बिपर चढ़ सके, टूट जाएगी बगाई, नहीं तो टूट जाली बा मच्छर दबी है। बाहर रुक जा, बाहर रुक जा, पता नहीं क्या डा। हाँ खाचर जी खाचर, पुष्पा सर
बेस्ट है। अब मोकड़ी है मारो ब्रह्मत पटक दीजिए बार अभी ऊपर हो गई। हाँ तो गाइस अभी लग चुकी है कर लागे खजूर को पेड़ है वही तो बल्ले वो आगे अंदर बुड्ढो पेड़ है बोई बोई रोटो में देख रही हूँ पे खजूर ला गई बुढ़ापा खाए उड़ाओ अब आर भी लागे निकाल था कान बड़ा बते कान पूछो तो है बिको ऊपर कान चढ़ता नहीं यार बड़ा बात अत्ता ऊपर फिर थोड़ी चढ़ पाता तो बाहर तो रहे भी कौन एक बार शैली और मैं यार है छड़े चढ़ा बा एक बार आयो पहली हाँ जित भाई ना बूढ़ी शैली है मम्मा की बूढ़ी वाली विषय जोड़ी हटे ही रहता जिस दिन ले रहे हो वो तार बंदी तो बाहर ही जोड़ी बाहर करवाई है एक दो साल दी ही तार बंदी ने हाँ दो एक साल दी बड़ा मन लगा कोई कोई चढ़े आ रहे ऊपर है मुड़ रही है देख तार बंदी कितनी मुड़ गई है नीचे आधे कल आ रही है ना हल्की हल्की वीडियो दी जो खास बंदी रहे चिड़िया तो हो कोई कोई तो चिड़िया चिड़िया। और यहाँ पर दोस्तों हमने जो है नीम का जो है गट्टा बांध लिया था और अभी हम जा रहे हैं घर पे बकरियों के लिए नीम लेकर और ये नितिन पीछे खड़ा है देखिए और आसपास में यहाँ पर देखिए हरे भरे खेत भी दिख रहे हैं गेहूँ और जो बो रखे हैं और इधर चने बो रखे हैं ये देखिए तो लकड़ी की कभी खतरनाक बनाई उड़ी यार भी और ये मांजा लेने में लग गया उधर नीम हमने रख दी इस पे साइकिल पे अरे कुल्हाड़ी गिरने जा ध्यान रखना है ना ठीक है मैं आ रहा हूँ भाई चलिए घर चलते हैं फिर बात करते हैं आपसे धीरे धीरे आराम से। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं बच्चों के साथ और बच्चे साइकिल पे लेके आए थे जैसा कि आपने देखा अभी और अब हम क्या करेंगे जो नेम है उसको साइकिल से उतार के रख देंगे हमारी जो चौक है उस पर और उसके बाद हम क्या करेंगे जो बकरियों को देखिए बोल रही है अभी ये खाने के लिए तो इनको रख देंगे और सिया और उधर दोनों वृंदा दोनों भी खाने के लिए कर रही है ये देखिए आप सबसे पहले मुस्कान को रख देंगे दो तीन डालियाँ तो इस साल पता नहीं क्यों कम ही खा रही है इस साल हरा चारा खिला रहे हैं अभी इनको इस कारण और ये देखिए अभी मैं स्नेहा को डाल दूँगा उधर ये देखिए और थोड़ी थोड़ी करके रख देंगे इनको थोड़ी बाद में खिला देंगे तो ये सही रहती है बकरियों के लिए खाने के लिए ये देखिए ये खा लेगी और ये हमारे नितिन के पास मोबाइल है तो पता नहीं क्या कर रहा है ये आधा अधूरा बातों में इसका चेता लग रहा पूरा इस कारण तो ये देखिए अभी डाल देते हैं बकरियों को और उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों जो खेत से हम चारा लेके आए थे उसको क्या करेंगे इस पर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगी रहती है तो हम इसको क्या करेंगे अच्छी तरह से इस प्रकार से झड़का के फिर हम हमारी जो गाय हैं और बकरियां हैं उसी या इनके लिए हम रख देंगे खाने के लिए तो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहेगी तो आराम से खा लेगी देखिए अभी पार्वती खा रही है उधर और भी बहुत सारा चारा पड़ा हुआ है तो उसको मैं साफ़ कर लूँगा पूरा और उसके बाद पशुओं को डाल देंगे हम ये देखिए बहुत सारी मिट्टी हो रही है इसमें तो मैंने एक ईंट रख ली थी और उस पर इस प्रकार से झड़का के अच्छी तरह से इसको टाइम लगे पर अच्छा मतलब चारा लाओ भी सर और उसको नहीं खाए तो फिर दिक्कत है उससे अच्छा इसको झड़का के अच्छी तरह से हम
साफ़ करके इसकी पूरी जो जड़ें हैं, जड़ों पे जो मिट्टी लगी हुई है उसको हम हटा देंगे, और उसके बाद जो है हमारी गाय और बकरियां इसको अच्छी तरह से खा लेगी। तो रोज़ाना ये काम मुझे ही करना होता है, तो अभी कर रहा हूँ मैं, ये देखिए आप। और स्कूल के आने के बाद थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा लेके इसको झड़का रहा था मैं अभी यहाँ पर, और देखिए कितनी मिट्टी झड़क रही है इसमें से। तो इस प्रकार से ये देखिए, और फिर इसको झड़का के दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा लेके इसके आसपास और मिट्टी रहती है उसको निकालेंगे। आजकल मुस्कान पता नहीं, जब से इसकी डिलीवरी हुई से खाना पीना थोड़ा कम कर दिया, पता नहीं क्या हो गया इसको, बीमार है राम जाने क्या हो गया इसको, कम खाती है, पहले अच्छा खाती थी चारा वगैरह, अब नहीं खा रही है। और अभी झटका लेंगे हम चारा, और ये देखिए हमारी सिया रानी बहुत खुश है, आजकल हरा चारा मिल रहा है, स्नेहा है, और ये वृंदा है, ये देखिए ये भी खा रही है, और ये हमारी पार्वती खा रही है चारा, और नवीन बना रहा वीडियो हमारे, अभी देखिए अब। और उसके बाद देखिए जो नीम लाया था मैंने, नहीं खाई थी बकरियों ने, तो उसको मैंने डाल दिया था हमारी पार्वती को, तो पार्वती बिल्कुल अच्छी तरह से खा चुकी है, क्योंकि नीम जो है गायों को भी बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, तो इनको डाल देते हैं हम। तो अभी देखिए जो नीम के डंडल हैं, मतलब कांटे हैं, लकड़ी, इनको हम अलग कर लेंगे और इसको बांध के उधर पड़क देंगे बाहर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी हम इसको बाहर डालें, हम मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू सो मच।